देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है उसकी दीवारों पर जो जल वाष्प है वो काफ़ी मात्रा में देखिए इकट्ठा हो गई है। तो आज का जो क्रियाकलाप है बहुत ही सरल सा एक क्रियाकलाप है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस क्रियाकलाप से आपको कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा। ये क्रियाकलाप हमने लिया है कक्षा 7 के विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में से, और इसका क्रियाकलाप क्रमांक है 9.5, यानी अध्याय 9 का 5वां क्रियाकलाप, और इसमें हम मृदा से जल को हटाना सीखेंगे। तो देखिए, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने ये मृदा ली है, एक खेत में से हम ये मिट्टी लेकर आए हैं, और इसी को हम बोलते हैं मृदा, क्योंकि ये उपजाऊ होती है। साथ ही साथ एक बुनसन बर्नर लिया है, एक हमने ली है टेस्ट ट्यूब जिसको हमने इस स्टैंड पर लगा दिया है, एक स्पैचुला लिया है जिसकी मदद से हम इस टेस्ट ट्यूब में जो मिट्टी है उसको डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी है उसका थोड़ा सा नमूना देखिए मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो जो मिट्टी है बिल्कुल सूखी आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए ये बिल्कुल चूरन बन गया है इसका, तो जो मिट्टी है वो आपको सूखी लग रही होगी। थोड़ी सी मृदा और ले लेंगे, क्योंकि जो परखनली का निचला हिस्सा है उसे हम पूरा कवर करना चाहेंगे, ताकि जो ऊष्मा है वो पूरी तरह से मृदा को गर्म करने में यूज हो जाए। तो चलिए, हमारा जो बर्नर है उसे जला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मृदा है वो गर्म होने लगी है, और धीरे धीरे ये जो टेस्ट ट्यूब है वो खूब गर्म हो जाएगी। उसके बाद हमें ये जो मृदा है उसमें से नमी निकलते हुए दिखाई देगी। देखिए, यहाँ इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर आपको जल वाष्प दिखाई दे रही होगी, और मैं थोड़ा सा अच्छी तरह दिखाने के लिए जो मिट्टी है उसको मैं और ठीक से एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए, जो मृदा है वो मैंने थोड़ी सी और नीचे सेट कर दी है। अब देखना बड़े ही ध्यान से, देखिए स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नमी है वो हमारी टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ देखिए इकट्ठा हो गई है। ये देखो, आप बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वायु है उसमें, इधर से दिखा अमित, इधर से दिखा, इधर बहुत अच्छी दिख रही है इस साइड में, यहाँ पे देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है उसकी दीवारों पर जो जल वाष्प है वो काफ़ी मात्रा में देखिए इकट्ठा हो गई है। ये देखिए, ये आप बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए मैं थोड़ी सी लॉ इसकी और बढ़ा के देख लेता हूँ क्या होता है। अब देखिए, हमारी जो मृदा है वो तेज़ी से गर्म हो रही है, और ऊपर से आप जल वाष्प निकलते हुए भी शायद देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अभी भी अगर देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो ये जल वाष्प यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, दिख रही है ये देखिए, इस जगह पे भी है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमने मृदा को गर्म किया तो मृदा में उपस्थित जो जल था वो गर्म हुआ, वाष्पित हुआ। वाष्पित होने के बाद
वो यहाँ देखिए जो परख नली की ठंडी दीवारें हैं उस पर संघनित होकर के जल बाष्प के रूप में, जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गया। तो ये जो क्रियाकलाप है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो मृदा होती है उसमें जल की कुछ धारण क्षमता होती है और कुछ न कुछ जल की मात्रा मृदा में हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर जो मिट्टी थी वो आपने देखा सूखी हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसमें से जल बाष्प निकली। दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी के दिनों में जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो खेतों में जो वायु है वो हमें मृदा के ठीक ऊपर ऐसे लहराती हुई दिखाई देती है। उसका कारण भी ये जल बाष्प ही होती है, क्योंकि जब मृदा में से जल बाष्प निकलती है तो नीचे का जो हवा है वो ज़्यादा सघन होती है और उसके ठीक ऊपर की जो हवा है वो विरल होती है, और ऐसी स्थिति में जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है वो हमें ऐसे झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। इसी को विज्ञान में कंपदीप्त शब्द दिया गया है, यानी कि जो वायु है वो हमें कंपदीप्त दिखाई देती है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।